हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इनफैक्ट एक गाड़ी नहीं, ये एक बस है, ये एक मॉडिफाइड बस होने वाली है। यहाँ पे आप पीछे के साइड में देख सकते हैं, फोर्स ट्रैवलर नाम है इसका। और ये बस जो है अंदर से पूरी ही मॉडिफाइड है, इसके अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग जो मॉडिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की जो मॉडिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। और जैसे कि ये गाड़ी जो है कार मॉल के अंदर सेल पे अवेलेबल है, जो कि वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कार मॉल होने वाला है, तो हम इस गाड़ी की जो प्राइस के बारे में और फाइनेंस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस प्राइस में आपको ये गाड़ी जो है यहाँ पे पड़ने वाली है। पर गाड़ी दिखाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो लाते रहता हूं। तो ये है वो फोर्स की ट्रैवलर। आप इसकी जो पहले लुक्स बाहर से देख लीजिए, क्योंकि इसकी जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स है वो इसके अंदर है। पर उससे पहले मैं आपको इसको जो बाहर से पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर से भी ये गाड़ी जो काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ मिलने वाली है। ये एक मिनी बस है फोर्स की ट्रैवलर। आप इसकी जो सामने से लुक देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स आने वाले हैं सामने के साइड में, और जो लुक्स है वो काफ़ी आपको तगड़ी मिलने वाली है। साइड से भी आप इसकी जो लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ आपको ये बस जो है वो देखने को मिलने वाली है। ये एक मिनी बस होने वाली है और इसके अंदर जो आपको मैक व्हील्स भी आ जाते हैं, इसके आप व्हील्स भी जो देख सकते हैं। मैं आपको इसको जो पीछे से भी एक बार दिखाता हूँ। आपको पीछे के साइड में एक सीढ़ी वगैरह मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए, और आप इसकी जो पीछे से भी लुक देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो बूट ही दिखा देता हूँ। आप इसकी जो एक बार बूट देखिए, आपको जो वो कुछ इस तरह की बूट मिलती है इसके अंदर। मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं बोलूँगा, पर एक मिनी बस के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर जो बूट मिलती है, क्योंकि इसके अंदर और भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह लगी है। तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की बूट मिलती है। यहाँ पे आप देखिए तो आपको जो वो स्पीकर्स वूफर्स मिल जाते हैं स्पेशली इसके अंदर, मतलब जो साउंड क्वालिटी रहने वाली वो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली इस बस के अंदर। आप पीछे से इसकी जो इंटीरियर की झलक देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटीरियर इसके अंदर मिलने वाला है। सामने के साइड में एक डिस्प्ले मिलने वाला है। मैं ये सारी चीज़ें आपको जो अंदर के साइड में जाके दिखाऊंगा, पर अभी के लिए हम इस बूट को जो वो क्लोज कर लेते हैं और अभी हम चलते हैं इसके अंदर के साइड में, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका अंदर का इंटीरियर। पर उससे पहले मैं आपको जो वो फ्रंट ड्राइवर का डोर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो वो ड्राइवर सीट देख सकते हैं, आपको जो सामने का केबिन है, आपको जो आगे का केबिन है वो कुछ इस तरह का आने वाला है। इस बस की जो टॉप स्पीड होने वाली है वो 180 होने वाली है, और एक फोर्स की बस है। आप इसको जो आगे की लुक देख सकते हैं। ये बस जो है एक सेकेंड हैंड बस है, सेल पे अवेलेबल है कार मॉल के अंदर। सामने के साइड में आपको जो सोनी के साउंड सिस्टम मिलता है इसको आप पूरा देख सकते हैं। आपको जो सीट्स है उसके ऊपर जो कपड़े का सीट कवर चढ़ा हुआ मिलता है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो मैनुअल गियर बॉक्स आता है, जो एसी वेंट्स है सामने के वो भी आप देख सकते हैं। ये तो आपको एक नॉर्मल बस जैसा ही देखने को मिलेगा, पर इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसके रियर सीट्स के अंदर है। अभी हम खोलने जा रहे हैं एक जन्नत का दरवाज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिलने वाला है। मुझे पर्सनली इंटीरियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लग्जरियस इंटीरियर है। अगर आप इस बस के अंदर बैठ के ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई भी कमी इस बस के अंदर नहीं मिलेगी। आपको इसकी जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल मिलने वाली है। आपको अंडर थाई सपोर्ट अलग से मिलेगा। जो सीट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होने वाली है। यहाँ पर आपको जो बटन्स मिलेंगे, इन सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। बस आपको इतने ऑप्शन जो है वो इसके अंदर मिलेगा। बस जो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, जो पूरी बस है उसके अंदर आपको ऊपर से नीचे तक पूरी जो एम्बियंट लाइटिंग मिलने वाली है। ऊपर के साइड में यहाँ पे भी जो आपको एक एसी वगैरह मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आपको जो एक सोनी की टीवी मिलने वाली है, इसके अंदर जो इस टीवी का रिमोट भी रखा हुआ है। आप इसका जो रिमोट भी देख सकते हैं, सोनी की टीवी है। इसके ऊपर आप ब्रांडिंग जो है वो देख सकते हैं। और ये अभी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। वॉइस तो मैं अभी ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। पर इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये वीडियो जो है नॉर्मल क्वालिटी में इसलिए, पर इसके अंदर जो 4K तक जो वीडियो प्ले हो सकती है। इसके अंदर जो आपको 4K टीवी मिलती है। यहाँ पे भी आपको जो एक सोनी की छोटी सी डिस्प्ले मिलती है, ये भी एक टच डिस्प्ले होने वाली है। यहाँ पे आपको लिनोवो की जो स्मार्ट क्लॉक मिलती है, मतलब इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर के साइड में कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का जो पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको जो 2 USB पोर्ट मिलता है। आपको पोर्ट्स की भी इसके अंदर जो कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये गाड़ी जो है एक 7 सीटर कार है, 7 सीटर बस है। पीछे के साइड में आपको जो 3 सीट्स मिलती है, मतलब एक सोफा जैसा मिलता है। यहाँ पे आपको जो 2 रिक्लाइनर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आप जो इसको खोल के भी जो वो सीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो 2 सीट्स मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से आपको जो इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट मिलने वाली है। इसके आप पूरी जो वो सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो वो एक कबर्ड मिलता है, आपको कुछ इस तरह से कबर्ड जो खोलना पड़ेगा। इसके अंदर जो आप सामान रख सकते
सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ड्रॉवर जो है वो मिलता है, आप ये ड्रॉवर भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो कुछ रिमोट्स मिल जाते हैं डिस्प्ले के, और ये भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। बाकी आप इसकी जो पूरी कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है। ये बस जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और यहाँ पे आपको जो है वो सनवाइजर्स भी मिलते हैं धूप से बचने के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे के साइड में भी आपको जो सेम मिलते हैं। तो इसका जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे जो मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप जो यहाँ पे ये भी सीट्स देख सकते हैं, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ आगे पीछे मूव होती है, पर यहाँ पे जो और भी कुछ मॉडिफिकेशंस के आपको जो फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको जो USB पोर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ बटन मिलते हैं लाइट्स के, इससे जो आप लाइट्स बंद चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में भी जो छोटे छोटे डिस्प्लेस मिलते हैं, शायद इसके ऊपर जो टेम्परेचर वगैरह कुछ दिखता होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको जो हाथ रखने के लिए जगह मिलती है, और इसका जो इंटीरियर है वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। मुझे बस जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग राइड के लिए बस तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आपको जो वो इसके सर्विंग ट्रेस भी मिलते हैं, आप इसको जो वो खोल के खाना वगैरह खा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको जो वो सर्विंग ट्रे भी मिलता है, नीचे आपको एक सॉकेट भी मिल जाता है जहाँ पे आप जो चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर जो मिल जाने वाली है। अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के बाहर और बात करते हैं इस गाड़ी की कुछ डिटेल्स के बारे में, इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो ये थी मॉडिफाइड फोर्स ट्रैवलर, ये एक मिनी वैन थी, और एक गाड़ी जो है कारमा नासिक के अंदर सेल पे अवेलेबल है एज अ सेकेंड हैंड कार, एज अ सेकेंड हैंड मॉडिफाइड बस। तो अगर आपको ये बस पसंद है हो, अगर आपको ये बस बाय करनी हो, तो आप कारमा नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके इस बस की जो और भी डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि इस बस की डिटेल्स जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। It's empty again, better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fight, you lose control. Bittersweet melody.